गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। दिस इज मनोज शर्मा, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th मैथमेटिक्स का हम चैप्टर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। सो सर्कल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि एक सर्कल क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन है ना, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर equidistant from a fixed point in that plane. It's called a circle. लोकस और कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन दैट प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। अगर हम बात कर रहे हैं सर्कल की, ठीक है, तो ये हमारा एक सरफेस है ना, एक प्लेन सरफेस है, एक प्लेन है। उस प्लेन में एक किसी फिक्स्ड पॉइंट से इसी प्लेन पर ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन करना जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हों। देखो यहाँ पर फिक्स पॉइंट कौन है, सेंटर, उससे इक्वल डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट्स आप कलेक्ट कर रहे हैं उनका कलेक्शन, उनका लोकस कहलाता है सर्कल। हर जगह सेंटर से दूरी बराबर है ना, हर जगह सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, तो हम क्या कह रहे हैं, सर्कल कह रहे हैं। ऐसे फिगर को प्लेन फिगर है, क्योंकि अगर हम उसे थ्री डायमेंशन में बात करें तो वो स्क्वायर कहलाने लगेगा। तो अब एक सर्कल के लिए हमें क्या पता होता है, रेडियस। मेनली हमें क्या पता होता है, रेडियस। रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो हमारे पास एक जो बेसिक वैल्यू होती है वो रेडियस ही होती है। सर्कल जब भी किसी प्लेन पर बनता है तो वो उस प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और सर्कल के बारे में, हमने पहले किससे क्या पढ़ रखा है उसकी बात कर लेते हैं। सर्कल के बारे में हमने पढ़ रखा है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो फॉर्मूला यहां पर रिमाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट है ना, पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। आर फॉर रेडियस, पाई हमारा जानते हैं आप कॉन्स्टेंट है, 22/7 और 3.14। ओके नेक्स्ट, इस सर्कल का सर्कमफेरेंस तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2πr, 2πr, करेक्ट। 2πr है सर्कमफेरेंस, मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें जैसे हम क्वाड्रिलेटरल्स या किसी भी पॉलीगन की बात करते हैं, तो वहां पर सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल साइड्स, सब साइड्स का सम करें जो भी आ रहा है वो पेरीमीटर है, तो यहां पर कोई साइड नहीं होती, इसलिए हमने उसको सर्कमफेरेंस नाम दिया है क्योंकि वो सर्कुलर है, ठीक है। तो 2πr यूनिट, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर। ये बातें हो गई। अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, जो मेन हमारे टॉपिक है वो टॉपिक ये है, हमें पढ़ना है कि किसी सेक्टर का एरिया कैसे निकाला जाता है, क्या फॉर्मूला है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो ऑलरेडी हमको पता है, पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और भी चीजें। चलिए, तो एक सर्कल के लिए एरिया आपने देखा पाई आर स्क्वायर,
अगर मैं ये कहूँ कि मैं सर्कल को आधा बनाने वाला हूँ, क्या करना है, हाफ सर्कल, ठीक है, यानी सेमी सर्कल किसे कहते हैं, तो वेट, अब जरा आप ध्यान दें, जब मैं हाफ सर्कल या सेमी सर्कल बनाऊंगा तो मैं अपने कंपास को 180 डिग्री रोटेट करूंगा, कितना, 180 डिग्री, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, है ना, अब पूरा सर्कल बनाऊंगा तो 360, तो पूरे सर्कल का के लिए 360 है, तब एरिया पाई आर स्क्वायर है विद दैट रेडियस, और 180 डिग्री अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ, तो सोचिए आप अगर उसके एरिया की बात करेंगे कि ऐसा है हाफ का एरिया कितना हुआ, तो आप तो डायरेक्टली बोलेंगे जी क्या पूरा एरिया हमारे पास पाई आर स्क्वायर था तो उसका आधा, पर थोड़ा सा मैं इसकी बात कर लेता हूँ ऐसे कि 180 डिग्री एंगल लिया किस में से, 360 पूरे में से मैंने केवल 180 डिग्री लिया और उस हिसाब से एरिया फाइंड आउट करना चालू किया, तो क्या आएगा, यही तो आएगा, या फिर कुछ ऐसा कर लें, ठीक है, मैंने कहा एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे आप क्या होगा, एक क्वाड्रेंट का एरिया आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, अब एक क्वाड्रेंट के लिए हमें चाहिए 90 डिग्री, हमने कहा 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर दैट इज 1/4 पाई आर स्क्वायर, है ना, यानी फोर्थ पार्ट हो गया। ये लॉजिक ये कहता है कि अगर कभी मुझे छोटे से सेक्टर का एरिया चाहिए, छोटे से सेक्टर का एरिया चाहिए फॉर द फॉर अ सर्कल, सर्कल के लिए छोटा सा एरिया ये, और इसका एंगल मुझे पता है, तो ये हमारा एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा थीटा यानी एंगल बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप सर्कमफेरेंस पर भी लगा सकते हैं कि ऐसा है, सर्कमफेरेंस तो कंप्लीट सर्कल के लिए हुआ, बट हाफ सर्कल क्वाड्रेंट के लिए और किसी सेक्टर के लिए, ये जो मेरा पार्ट है ये जो मैंने डार्क किया है ना, लेंथ ऑफ एन आर्क हो जाएगी, तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलेगा, भाई यहां पर हमने एरिया का फॉर्मूला रखा है, इस बार अगर मैं 2πr यानी कि सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला रखूंगा तो उतना पार्ट का ही लेंथ निकलेगी। सो इसी तरह से हम एक फॉर्मूला और बना सकते हैं कि लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2πr। अब ये डिपेंड करता है कि कितना एंगल है, उस एंगल के अकॉर्डिंग हम लेंथ और एरिया पर पर्टिकुलर सेक्टर निकाल सकते हैं। ऐसा यहाँ पर सेक्टर केवल यही नहीं है जिसको मैंने पेंट किया है, ये माइनर सेक्टर है, ये तो आपको पता ही है, नाइन्थ में पढ़ रखा है आपने, माइनर सेक्टर, और ये क्या है, मेजर, तो मेजर आप एंगल भी अगर पता कर लें तो आपको मेजर सेक्टर का भी एरिया मिल जाए। अब अगर 360 में से ये 60 है तो इधर कितना हुआ, 360 माइनस 60 यानी कि 300 यानी 360 माइनस थीटा जो भी आपका एंगल होगा, थीटा माइनस कर दीजिए, इधर के सेक्टर का एंगल आ गया, उसका एरिया निकाल लीजिए सेम फॉर्मूले से, उसकी लेंथ निकाल लीजिए इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो जितना कॉन्सेप्ट अभी आपने देखा, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज 1 एंड 2 सॉल्व हो सकती है। सो प्रिपेयर करें, सॉल्व करें, थैंक यू एंड जय हिंद।